हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, सलमान अंसारी न्यू व्लॉग्स। फिलहाल एक मैंने सुबह उठते ही खबर सुनी, फिर रात में सुन ली थी, फिर सुबह उठने के बाद मेरा कंफर्मेशन हो गया, नाइट कर्फ्यू दिल्ली में जारी 27th of December। 27 दिसंबर तो आज ही है, रात के 11 बजे से शायद सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू रहेगा बिकॉज कोविड प्रोटोकॉल्स की कारण। फिलहाल तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, मगर करने से पहले आज मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मुस्कान गई हुई है हॉस्पिटल, कोई सा साउंड करवाने, तो बहरहाल मैं घर में हूँ अकेला, इसलिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैं ही बनाऊंगा। और मैं सारे घर की एसी तेजी लगा देता हूँ पूरे किचन की, मुझे बनाने होंगे अंडे, उसके बाद से ब्रेड वगैरह सेकेंगे, वही खाएंगे आज ब्रेकफास्ट। फिलहाल मेरा काम हो गया है स्टार्ट, अंडे बनने की तैयारी। एक अंडा मेरा बन भी गया है, बस 2-3 अंडे और बना लूँ। फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद बन के रेडी हो गए हमारे अंडे, आज सारे खराब हो गए, सब खराब, चलो जैसे भी हो खा लिए जाएंगे। ब्रेड भी मैंने सेक लिया अच्छे से। तो गाइज, मैंने जब से ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद से मुझे व्लॉगिंग करने का या फिर मेरी कोई एक्टिविटी का मौका ही नहीं मिला, एटलीस्ट यहाँ तक मैंने चाय तक नहीं पी। तो अब शाम के 6 बज गए यार, सुबह के 11 बजे से शाम के 6, वाह, 7 घंटे कंटिन्यूसली इस चेयर के ऊपर बैठकर मैं लगातार काम करने में व्यस्त था। अगर अब मेरे लिए आ गई ये बिरयानी, फिलहाल लंच करते हैं पहले, अब देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ होंगी नहीं होंगी। हो गया तुम्हारे सारे काम, हो गए पक्का? पहले तो बिरयानी खाते हैं फिर उसके बाद से बात करते हैं जो भी है। भूख लग रही है भाई, बर्दाश्त नहीं हो रही है भूख मुझसे, पता है। टाइम हो रहा है अभी रात के 12:15 बजे का, 12:15 या फिर 12:45, मैं कन्फर्म नहीं हूँ। और रात को देखो यार कितना ज़्यादा सोफ्ता हो गया, इसका रीज़न सिर्फ एक ये है क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा है, 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अलाउ हो गया, जिसके चलते हम बाहर नहीं निकल सकते, मगर मैं तो फिर भी बाहर घूम रहा हूँ सेफ्टी पर्पस। मैं किसी काम से गया था, ज़रूरी नहीं है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, काम था मुझे बहुत ज़रूरी, वो मैंने निपटा लिया है। अब फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, देख रहे हो कितना सोफ्ता पड़ा हुआ है, ये वाले रोडों पर तो मैं पहली बार ही सोफ्ता देख रहा हूँ क्योंकि बिकॉज हम पहले तो थे ही नहीं यहाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही हम यहाँ नए नए आए हैं, हर जगह सोफ्ता पड़ा हुआ है भाई, वरना तो लगातार कहीं ना कहीं गाड़ियाँ चलती रहती हैं, गाड़ियाँ टेम्पू या फिर विक्रम्स, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और यूजुअली यहाँ पर कूड़े की गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, कूड़े वूड़े उठाने का काम करती हैं जो कि पूरी रात भर, मगर अब कुछ भी नहीं है। आगे लगा यार मुझे कि गाड़ी वाड़ी की लाइट है, अभी आगे जा रहा है देखते हैं, हो सकता है जैसे हम काम से आए बाहर वैसे ये भी आए हों। सारे रोडों पर सन्नाटे, एक बार फिर से उसी ट्रैफिक को याद किया जा रहा है जो कल तक हुआ करता था। अब ये ना जाने पता नहीं कितने टाइम तक चले, कितना टाइम तक टिके, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, और दिन में आ जाए लौट के ये भी हम नहीं कह सकते, मगर फिलहाल तो अभी नाइट कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। ठीक है, कुत्ते आ रहे हैं पीछे, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, मैंने फ़ोन छोड़ के क्या करूँ यार, मैं जंगली कुत्तों को मारता नहीं, मैं कुत्तों को क्या, जानवरों को मारना भी नहीं चाहिए यार वैसे भी जंगली। देखो यार ये कार कहाँ से आ रही है, अरे बहुत सोफ्ता हो गया यार, बहुत सोफ्ता, सन्नाटा पड़ा हुआ है जगह जगह, ऊपर फ्लैग झंडा, अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। ये देखो PCR खड़ी है, जगह जगह पुलिस वाले तैनात हैं कि कोई ज़्यादा फालतू बाहर ना निकले, यानी कि इन सब की निगरानी है, और अब तो कैमराज वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। चलो बहरहाल बहुत सोफ्ता पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं है, सामने मेन रोड है जा रही है, वहाँ से तो गाड़ियाँ एक दो दिखी मुझे, मगर अभी तो फिलहाल नहीं है। अरे कहाँ जा रहा भैयू, कहाँ तू, मेट्रो वेट्रो तो सब यूजुअली इस टाइम बंद रहती हैं, यहाँ तो और सोफ्ता लग रहा है मुझे, यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई, आसपास में गाड़ियाँ ना कोई शोरूम, सब बंद है, सब सारी दुकानें, वरना कोई ना कोई दुकान तो यहाँ पर खुली रहती थी इस टाइम में, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह होगा। पीछे कार आ रही है यार, हाँ वो गई, एक कार दिखी है रोड पर अभी तक, इसके अलावा नहीं दिखी मुझे भाई, बहुत सोचता है यार क्या होगा आगे चल के, पता नहीं मुझे कब तक चले ये नाइट कर्फ्यू, नाइट से डे में ना आ जाए, बस हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कैसा ना हो यार, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के काम कारोबार की प्रॉब्लम होती है। फिर गाइस मैं आ गया हूँ घर वापस, टाइम हो गया है रात के 2:45 का, ना तो आज इतनी एक्टिविटी थी और ना मैं इतना कुछ कर सका, बिकॉज मैं सुबह से जो काम पर बैठा वो रात को उठा, वो भी मुझे रात को काम से बाहर जाना था सामान लाने के लिए, वो मैं लेके आ गया हूँ, बिकॉज अब रात में नाइट कर्फ्यू हो गया ना, दिन का भरोसा नहीं है, इसलिए जो सामान कम था वो मैंने कहा भाई पहले से पहले ला के रख दो, प्रिपेयर रहो, क्योंकि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और सारे रूट का तो मैंने आपको हाल दिखाई दिया, कितना ज़्यादा सोफ्ता सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है बाहर, एटलीस्ट अगर कोई बाहर घूम भी रहा है तो पुलिस की काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, यानी कि ये कह लो कि पुलिस भी अच्छा काम कर रही है अपनी तरफ से, क्योंकि जो अभी तक मैंने देखा है। तीनों खेलने में लगे हुए, देखो यहाँ पर खाना वाना खा के आराम से खेलने में लगे हुए, तो मैं सोने का होश नहीं होता, देखो टाइम
टाइम ये हो रहा है, ये माँ हाल हाल से बेहाल, और अब मेरे लिए बन रही है चाय। बस मैं चाय पीते पीते व्लॉग को एडिट करूँगा, बिकॉज मेरा अभी तक व्लॉग एडिट हुआ नहीं है। अरे क्या कर रहे हो यार तुम, चलो चलो सोने, चलो चलो यार। ये सोते ही नहीं है यार, क्या है ये? जब हम जागते रहेंगे तो ये भी जागते रहेंगे, चाहे हम 5 बजे तक क्यों ना जागे। देखो आराम से बैठा हुआ रस्सी से खेल रहा है। ये रस्सी कहाँ से लगी इसके हाथ? स्टैंड में बंधी हुई थी, वो स्टैंड से खोली। क्या हुआ, सोना नहीं है तुझे? डर रही है, सोना नहीं है, हैं? भागेगी, भागने की ताक में, बता दे मुझे। डरती है, डरपोक डरपोक बिल्ली। तो जो स्टार्टिंग में हम इसको लेके आए थे ना, इतनी भाई साहब शैतान थी ये, मगर अब इसकी सब शैतानी ख़त्म हो गई, और अब वो शैतान है। ये तो इतना शैतान है, ये तो इतना शैतान है, बस इसकी कुछ देखो देखो, इसकी तो कुछ हद नहीं। बैठ गया आराम से डर के, जैसे मैं इसको मार रहा हूँ। मार रहा हूँ मैं तुझे, इधर आओ परी, यहाँ आओ, कर लो परी, यहाँ आओ, यहाँ पर बैठो, तुम भी दिखाओ हाल हाल से बेहाल। चलो सही, हाँ ये भाई साहब गायब हो लेती है। तुम्हें खाना ज़रा सा यहाँ रखा हुआ हजम नहीं हो सकता, फटाफट खाओ। यहाँ देख रहे हो, मैंने अपनी वॉल पे चक्कू लगाए हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक वो रहा, शायद मैंने पहले भी दिखाया होगा व्लॉग में, अच्छे लगते हैं। तो बस गाइस, मैं चाय वगैरह पीते पीते व्लॉग को करूँगा एडिटिंग, बिकॉज अब टाइम भी बहुत हो रहा है ना, और मैं मुझे रेस्ट भी नहीं मिल पाता, कमर मेरी काफ़ी पेन कर रही है। अब सोऊंगा कब और उठूंगा कब, ये भी एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात, ठंड हद से ज़्यादा है। बस तो फिलहाल इस वाले व्लॉग की यहीं पर ही समाप्ति लगाते हैं। आई होप कि पसंद आया हो, पसंद किया ही आया हो यार, अलग एक्टिविटी थी नहीं। आई होप कि आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। जिंदगी रही तो मिलेंगे अगले दिन प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू कमिंग टुमॉरो, बाय। Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings.